त्यागी आप प्रत्याशी ने मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। ग्राम खिमावती, ग्राम मेनका गढ़ी और ग्राम रावली में लोगों से मिली सहानुभूति से गदगद होकर महेश त्यागी ने कहा, यह जनता की जय है, यह आपकी जय है, यह आम आदमी की जय है। क्षेत्र की जनता ने महेश त्यागी जिंदाबाद के नारे लगाए और आम आदमी पार्टी की तारीफें कर महेश त्यागी का हौसला बढ़ाया। महेश त्यागी आप प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ता शहर, कॉलोनी, गांव और देहातों में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। जहां आम आदमी पार्टी जिंदाबाद के नारों और तालियों से जनता ने महेश त्यागी आप प्रत्याशी का स्वागत किया। आज की मीटिंग के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि मुझे इजाजत दें बोलने की और मेरे साथ मेरे कर्मठ संघर्षशील साथी और यहाँ उपस्थित मेरे बुजुर्ग और नौजवान और प्यारे बच्चों, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि आपने अपने बीच में मुझे लाकर बोलने का मौका दिया। साथियों, अभी बताया वकील साहब ने कि देश को आजाद हुए, चाइना और हिंदुस्तान साथ साथ आजाद हुए, मगर चाइना कहाँ पहुंच गया और हिंदुस्तान कहाँ रह गया। इसमें कहीं ना कहीं कमी हमारी भी है कि हमको जो सुविधाएं चाहिए वो नेताओं ने नहीं दी और हमने कभी इस बात पर विचार भी नहीं किया। साथियों, हमने कभी निर्णय नहीं किया कि हमारे स्कूल अच्छे नहीं बनाए गए, हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं दी गई। इसके पीछे कारण रहे पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में शिक्षा स्वास्थ्य पर कोई काम ही नहीं किया, न बिजली पर, न पानी पर और न रोजगार पर। हम लोग पार्टियों को वोट इसलिए देते रहे, हमें लगा कि अब कहीं ये पार्टी जीत के आ जाएगी तो इसको वोट दे दिया, फिर उसने काम नहीं किया, हरा दिया, फिर दूसरी पार्टी को वोट दे दिया। कभी ये कभी वो चलता रहा और उन पार्टियों का जो तरीका काम करने का था उनका तरीका भी वो ही रहा। जब सपा का राज था तब लोग अगर थाने में जाते थे तो इंस्पेक्टर कहता था, अगर तेरी मुलायम सिंह से सीधी बात है तो बात कर, नहीं तो लाठी दिखा दी। बड़े बड़े नेताओं को थाने से निकाल दिया जाता था, लोगों में बड़ा गुस्सा था, लोगों ने बीजेपी को समझा कि ये पार्टी कह रही है कि सबका साथ सबका विकास करूंगा, लोगों ने वोट दिया और जिताने का काम किया। 7 साल में से सरकार सेंटर में भी बीजेपी की है और 5 साल से भी सरकार बीजेपी की है, मेयर भी बीजेपी का है और जो यहाँ पर विधायक है वो भी बीजेपी का है, एमपी भी बीजेपी का है, हर जगह बीजेपी, मगर कोई काम नहीं हुआ। आज लोग फिर बीजेपी को बदलकर किसी और पार्टी को लाना चाहते हैं। साथियों, जिन पार्टियों ने अपने टाइम में जो किया है अपने टाइम में वो ही काम करेंगे और मेरी पार्टी ने